हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका सिंह परिहार अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं रतालू यानी कि पर्पल यम। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए वीडियो फुल वॉच कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी रतालू की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये है रतालू जो कि मैंने ले लिया है और अब मैं इसका ऊपर का ये छिलका है उसे निकाल लूंगी। आप चाकू से या छिलनी से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, बड़ा है तो दो पीस कर लेंगे, तीन पीस कर लेंगे, हम छोटे छोटे पीस करके भी छिलका निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं उसका छिलका निकाल लूंगी छिलनी से और पूरा क्लीन कर लेंगे हम इसे। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप कि मैंने इनका छिलका निकाल लिया है और अब हम इसे वॉश कर लेंगे क्योंकि जो भी इसमें मिट्टी थी वो निकल जानी चाहिए। तो अच्छे से हम इसको वॉश कर लेंगे। तो देखिए, वॉश कर लिए हैं मैंने। अब हम इसके पीस कट करेंगे। तो पीस आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, चाहे जैसे भी कट करना है वैसे कीजिए, लंबे छोटे बड़े आपको जैसे अच्छे लगते हैं वैसे कट कीजिए। तो हम ये सारे पीस कट कर लेंगे अपने रतालू के। तो आप देखिए इस तरीके से, तो मैंने सारे पीस कट कर लिए हैं। अब हमें इसे फ्राई करना है। तो कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, गैस ऑन कर लेंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं। तो ये देखिए तेल गरम हो गया है और थोड़ा थोड़ा करके हम रतालू डालेंगे अपने तेल में जो हमने पीस कर लिए थे और उसको लो मीडियम फ्लेम पे हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो जब ये ब्राउन होते हैं तब इनका कलर चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ, हम उलट पुलट कर लेंगे और मैंने अब इनको निकाल लिया है। तो जो हमारे बाकी के थे उसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, इनका कलर ब्राउन हो गया है और अब मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हमें बनाना है मसाला, जो ग्रेवी बनानी है उसके लिए प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक और ये दही। तो दही हम बाद में लेंगे, पहले प्याज डालेंगे। दो गांठ प्याज है, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक है और इनको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हमको क्या करना है कि जो रतालू है उसे हमें मैरिनेट करना है। तो एक बाउल में हम दही ले लेंगे, रेड चिली पाउडर दो चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, सॉल्ट स्वाद के अनुसार डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखिए, दही हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने जो रतालू फ्राई किए थे उनको हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके ढक के हम इसे साइड में रख देंगे। तो ये देखिए, दही में हमारे अच्छे से रतालू मिक्स हो गए हैं, रख दिया है। कढ़ाई में तेल डालेंगे थोड़ा और, अगर आपको कम लगे तो, नहीं लगे तो पहले का तेल चलेगा। और हम गरम कर लेंगे, जीरा डालेंगे, दो चम्मच जीरा है, छोटी स्पून है, और जो हमने मसाला तैयार किया था हम वो ले लेंगे। तो ये देखिए, और इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे, हल्का ब्राउन होने तक इसे हम भूंजेंगे। तो ये देखिए, मसाला भी हमारा भूंजने पे आ चला है। अब जो हमारे नॉर्मल मसाले हैं हम वो ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर। तो यहाँ मैं कश्मीरी पाउडर ले रही हूँ, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। तो उससे क्या, सब्जी तीखी नहीं लगेगी और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ स्पून, धनिया पाउडर डालेंगे हम। तो ये दो चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है और अब हम डालेंगे हमारा गरम मसाला जो सब्जी में स्वाद दोगुना करता है। इसको भी हम अच्छे से भूंज लेंगे। आप देख सकते हैं मसाला काफी अच्छे से भूंज गया है और जो हमने रतालू मैरिनेट करने के लिए रखा था उसको हम अपनी कढ़ाई में ले लेंगे। तो अभी हम सिर्फ रतालू निकालेंगे उसमें से, जो हमारा दही रह जाएगा उसे हम बाउल में रहने देंगे। ये देखिए, दही बच गया है हमारा। अब हम मिक्स कर लेंगे मसाले को रतालू में, अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा। और ये देखिए, हमारी सब्जी में अच्छे से मिक्स भी हो गया है मसाला रतालू में।
और अब हम डालेंगे सॉल्ट। तो ये आपके स्वाद के अनुसार है, जैसा आप पसंद करते हैं वैसा, क्योंकि हमने दही में भी सॉल्ट डाला था तो उसका ज़रा ध्यान रखिएगा। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब दही डाल देंगे, जो बाउल में दही बच गया है उसमें हम थोड़ा पानी ऐड करके अपनी सब्जी में डालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। ग्रेवी सब्जी की आपको आपके हिसाब से रखनी है, आप थोड़ी गाढ़ी रखना चाहते हैं वैसे रखिए, और थोड़ी रसेदार रखना चाहते हैं तो वैसे भी रख सकते हैं। तो चलिए बबल आ गया है और अब हम इसे ढक देते हैं, पकने देंगे। तो 10 से 15 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जी कलर कितना अच्छा आया है और रतालू भी हमारे पक गए हैं। तो हम एक पीस उठा के चेक करेंगे। तो ये देखिए सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अब हम धनिया काट के डाल देंगे, क्योंकि धनिए से सब्जी का कलर और खाने में स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो सब्जी तैयार है, तो चलिए बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया है, इसमें हम सब्जी निकाल लेंगे। आप रोटी के साथ में, पूरी के साथ में, चावल के साथ में खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बेल प्रेस जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। बाय।